हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीट डिजाइन। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी पार्टी वियर स्लीव डिजाइन। तो लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने एक पार्टी वियर कुर्ती का डिजाइन डाला था, नेक डिजाइन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं उसके स्लीव का भी डिजाइन आपको दिखाऊंगी, तो ये वही वाला डिजाइन है। तो ये मेरी स्लीव है जिसको मैंने कट करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे मार्क करेंगे। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइन की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हम मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने ये स्लीव की मोरी वाली साइड ली है। इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी स्लीव का सेंटर मार्क करेंगे। तो ऊपर से लेते हुए हमने ऐसे एक स्केल की मदद से इसका सेंटर मार्क कर लेना है। आप थोड़ा लाइट लाइट मार्क करें क्योंकि ये सीधी वाली साइड पे आपको मार्क करना है। तो अब हमने नीचे से जहां से भी आपका फोल्डिंग का मार्जिन है, मेरा सिर्फ इतना इतना फोल्डिंग का मार्जिन है, ये गोल्डन लाइन से मैं मार्क करूंगी। गोल्डन लाइन से मैं ऊपर 5 इंच मार्क कर रही हूं। ये देखिए, नीचे से ऊपर तक 5 इंच मैंने मार्क किया है। अब हमने ये थोड़ा डायगोनल में मार्क करना है। आप चाहो तो नीचे से पहले ये 2 इंच मार्क कर सकते हो, ऐसे। इधर से भी आप 2 इंच मार्क कर लीजिए, सेम ऐसे साइड से। तो अब हमने ऐसे मार्क करना है डायगोनल में, इस तरीके से। जो हमें लेसेस अपनी स्टिच करनी है वो ऐसे स्टिच करनी है, और दूसरी लेस भी हमें सिर्फ इतने गैप पे, यानी कि 1.25 इंच के गैप पे दूसरी लेस को भी स्टिच करना है। तो यहां पे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी समोसे वाली लेस, वो स्टिच करेंगे और नीचे मिरर वाली लेस स्टिच करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी लेस लगाना शुरू करते हैं। तो ये मेरी समोसे वाली लेस है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी अपनी कुर्ती पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली लाइन पे हमें ये रेड वाली लेस यूज करनी है। आप ट्रायंगल ऐसे ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं इसके, और नीचे की तरफ भी ऐसे भी रख सकते हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगता है वैसे रख सकते हैं। मैं नीचे वाली साइड की तरफ रख रही हूं। तो ऐसे अपनी मार्किंग के ऊपर रखते हुए हमें लेस को सीधा सीधा स्टिच कर लेना है, इस तरीके से। तो हम सेंटर में अपनी सिलाई को ले आएंगे। अब हम लेस को घुमा लेंगे थोड़ा सा, इस तरीके से, और इसका कोना अच्छा सा बनना चाहिए। तो ऐसे हमारी ये नीचे वाली मार्किंग पे ये रेड वाली लेस लग चुकी है। अब हमने क्या करनी है, ये गोल्डन भी समोसे वाली लेस ऐसे ही इसको भी ऊपर की तरफ ऐसे स्टिच कर देंगे, ऊपर वाली लाइन के साथ साथ। तो ऐसे देखिए, ये दोनों लेसेस हमारी ये स्टिच हो चुकी हैं और कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी ये मिरर वाली लेस को हमने नीचे मोरी पे स्टिच करना है। तो ये जो मिरर वाली लेस है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सिंगल फुट से स्टिच होती है ताकि हमारा ये शीशा भी बचा रहे और हमारी ये सुई भी बची रहे, इसलिए हम इसको सिंगल फुट से ही स्टिच करेंगे और बिल्कुल मिरर के किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए। तो ऐसे आप बिल्कुल मिरर के किनारे किनारे सिलाई लगाएं। ध्यान में रखें आपकी सुई मिरर के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो टूट भी सकता है और आपकी सुई भी टूट सकती है। तो ये देखिए, ये एक तरफ से हमारी ये लेस स्टिच हो चुकी है। अब हमने दूसरी तरफ से भी मिरर के किनारे किनारे सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेना है। ऐसे देखिए, ये हमारी ये तीनों लेसेस स्टिच हो चुकी हैं और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये स्लीव डिजाइन। तो इसको आप पार्टी वेयर सूट पे किसी पे भी बना सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं अपनी स्लीव को। तो ऐसे आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसकी मोरी से लेके आर्म होल तक सिलाई लगा सकते हैं। तो ऐसे देखिए, कितना ब्यूटीफुल हमारा ये स्लीव डिजाइन रेडी हो गया है फिटिंग की सिलाई लगने के बाद, कितने ब्यूटीफुल लग रही है। और ये जो कोना हमने बनाया था ये ऐसे स्लीव के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो अभी आपको इसको मैं कुर्ती पे स्टिच करके और कुर्ती की भी फाइनल लुक दिखाती हूँ इस स्लीव के साथ। तो देखिए, हमारा ये स्लीव का डिजाइन हमारी कुर्ती के साथ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो पहन के ये डिजाइन हमारा ऐसे आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।